श्रद्धा, आप आज से आप मेरे ख्याल से हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने जाओगे, तो कैसे आपने ये जब टाइटल आया आपके पास, मोहित आपके पास थर्ड फिल्म आई थिंक इट्स विद मोहित एंड दिस टाइटल, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन. एक्चुअली मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ. बहुत बहुत नर्वस हूँ. बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. एक पहली बार एक टाइटल रोल निभा रही हूँ, तो डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है. पहली बार एक एडाप्टेशन का हिस्सा बन रही हूँ, एक कैरेक्टर जो इन्होंने लिखा है, और एंड ऑफ कोर्स मोहित हैज़ ब्रॉट हर टू लाइफ. तो एक्चुअली मैं पिछले दो हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई फील कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग सो प्रेशर्ड एंड सो नर्वस अबाउट बींग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड being Arjun's half girlfriend, Madhav Jha's half girlfriend, definitely yaar meri her... half girlfriend hone ka itna pressure mat lo. hai to of course garv mehsoos hota hai jab writer ko aur director ko lagta hai ki you know you can play that title role and you can do justice to it. So I hope that I have. And I hope कि जब आप सब trailer देखेंगे आपको trailer पसंद आए. And it's a very very intense emotional story. And that is something that जो मोहित है master उसके. And I hope that you guys enjoy it. Yeah. Posters पे तो मैंने देखा है बहुत response आ रहा है. एक ने लिखा था कि अगर half girlfriend ऐसी लगती है तो मुझे full girlfriend चाहिए ही नहीं कभी. तो मेरे को half ही काफी है. I hope you wouldn't write that. नहीं मैंने नहीं. हाँ फिर ठीक. मैं नहीं. तो वो कॉम्प्लीमेंट है, तो थैंक यू व्होएवर सेड दैट. अर्जुन वन या अर्जुन पंजाबी मुंडे आप बने हो. हाँ. मेरी ही किताब में पहले एक्चुअली पैदा भी वैसे ही हुआ था. पैदा भी हुए. हाँ. हो तो वो भी टफ रहा होगा. जस्ट टू क्लेरिफाई. हाँ, वो टफ रहा होगा. लेकिन ये बिहारी यू नो एंड दैट टू फ्रॉम अ बुक एंड देन अ वेरी इमोशनल मूवी जिसमें आपको कन्विंसिंगली आपको कहीं ना कहीं था कि लोग जज करेंगे आपको क्या होगा क्या क्या यार, अगर ऐसे सोचना शुरू कर दे एक्टर की मैं यहाँ का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उस पर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होता है देन यू गेट कॉट अप इन दैट. द पॉइंट इज कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ो उसे समझो डायरेक्टर के साथ समय बिताओ एंड यू प्ले इट एज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एज पॉसिबल एंड ऑब्वियसली डायलेक्ट बॉडी लैंग्वेज एक जो पर्सोना होती है कैरेक्टर की एक जो जर्नी होती है जैसे हमारे स्क्रिप्ट में जो मोहित ने कहा एक लंबी जर्नी है तो यू वॉन्ट द कैरेक्टर टू इवॉल्व द वे द डायरेक्टर्स इमेजिन. तो एक पहलू पे ध्यान देके कभी पिक्चर नहीं करनी चाहिए एज एन एक्टर. आई ऑलवेज फील यू इट शुड बी the sum is always bigger than its parts. So, ye chote chote pehlu hote hain jo ek film ko bada banate hain. So, you have to keep the film in mind. And I think it's better aap log trailer dekho phir in sab cheezon pe charcha karne mein maza aayega. Mujhe raise your hand and I'll come to you. And nahi mic hai figure. aap utni koshish karoge wahan tak pahunchne ki wapas aane mein hum subah tak yahi rahenge. Okay. So, yeah. Hi, Arjun, Shraddha, Alok. Can you please say your name and publication, please? Hi, Chetan, मेरा नाम आलोक. Left में. हाँ. अरे आरजे आलोक. आज दिखाओ सबको आप जो कॉफी का कप लाए हो अपने फोन पे दिखाइए. गौर से देखिए इस आदमी को. दिखाइए ना. अरे दिखाइए. वाह क्या बात है. हाँ अब वार्तालाप कर सकते. अर्जुन आपने ये नॉवेल पढ़ी थी पहले और क्या ब्रीफ मिली थी मोहित की तरफ से फिल्म के लिए? देखिए पिछली बार जब मैंने चेतन भगत की नॉवेल की थी जिसकी फिल्म बनी थी मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी थी. इस बार भी सुपर स्टेशन की वजह से मैंने वही कायम रखा. तो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पहले और कहीं ना कहीं मुझे कहानी का एक अंदाजा था मोटा मोटा जैसे सबको होता है जब एक किताब निकलती है और सक्सेसफुल होती है. एंड हाफ गर्लफ्रेंड वाज अ वेरी सक्सेसफुल नॉवल व्हेन इट केम आउट. सो आई वाज अवेयर ऑफ द स्टोरी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट आई वॉन्टेड टू रीड इट फ्रॉम द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इवेंचुअली आई डिडंट वॉन्ट टू हैव द बैगेज की यार क्या निकाला है क्या रखा है क्या बुक में लिखा गया था और क्या इवॉल्व हुआ है कुछ अच्छा है या बुरा है. I wanted the script to be the deciding factor because eventually banni to wo thi. Aur kahin na kahin mujhe ye bhi pata tha ki Chetan aur Mohit saath mein hi kaam kar rahe the script ko lekar because they were part of the film together from the get go from the initial stage. So I was fairly confident ki jo changes honge wo film ke liye bhalai ke liye honge and Chetan would be in the loop of it. So I was pretty secure that when maine book nahi padhi par main ye kahunga ki script is very very close to the book as close as you can adapt a book to a film and crunch the screen time along with the music and certain emotions that need to come to the forefront. तो brief वही थी कि मोहित का एक दिन फोन आया. मैं अर्जेंटीना में था और उसने कहा मैं तुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ उसे पढ़ और बता क्या करना है करना चाहता है कि नहीं. It was as simple as that.
And I think I was about 10 pages in and I decided main ye film karne wala hu because ye character ki shuruaat jis tarah hoti hai jo aapne trailer mein dekha jo shuruaat hai wo jo pehla scene hai jab St. Stephen's mein he has an interview I think wahi se main kirdar ke sath jud gaya tha kahin na kahin I wanted to know what his journey is to jab shuruaat achhi hoti hai ek script ki to aapko ek excitement hoti hai ki ek acha character nibhane ka mauka milega aur wahi hua I was very fulfilled as a viewer as a reader by the end of the script and I don't think anybody had to brief me after that. My excitement made sure that Mohit, me, Chetan, Shraddha, Tushar, all the people involved, we worked together to try and do justice to not only the book, but to the film interpretation of it. Taki kisi ko ye na lage ki book mein aisa tha aur film mein aisa hai. So we kept all that in mind and I'm hoping ki aap sabko film pasand hai. Bahut lamba jawab hai mera. I feel good to be back in Bombay now. श्रद्धा आप गुनगुनाते हुए नजर आएंगी इस बार भी जैसे हेलो आरजे आलोक तेरी गलियां जैसे आपने गुनगुनाया था पहले एक फिल्म नहीं लेकिन इस फिल्म में मैंने बास्केटबॉल खेला है और बहुत बाप रे उसके बारे में सोचती हूँ तो पसीना छूट जाता है थोड़ी बहुत मराठी मैंने सिखाई है इनको क्या क्या सिखाया आपको खूब छान फूर गया थैंक यू अगा 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 ये सिखाया इन्होंने पूरी पिक्चर में हर शॉट पर अगा 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 अर्जुन एंड श्रद्धा हाय हेलो हाय व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट और फिनोमेनन ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड व्हाट इज योर पर्सनल कैसी हैं आप सीमा जी वेरी गुड थैंक यू सो मच वेल एक्चुअली आई लव द टैगलाइन ऑफ द फिल्म एंड दैट इज समथिंग जो मेरे लिए हाफ गर्लफ्रेंड वही है दोस्त से ज़्यादा गर्लफ्रेंड से कम और वो एग्जैक्टली मैं वही हूँ माधव के लिए फिल्म में तो दैट्स व्हाट इट मींस टू मी आई थिंक मोहित समड इट अप रियली नाइसली देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ दैट कांट बी टर्म्ड कोई नाम नहीं दिया जा सकता कुछ लोग आते हैं हमारी जिंदगी सुधार के चले जाते हैं कई लोग आते हैं जो एक इम्पैक्ट छोड़ के चले जाते हैं एंड नॉट ओनली रोमांटिकली देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स दैट गेट लेफ्ट इनकम्प्लीट और कुछ अच्छे के लिए होता है कुछ बुरे के लिए होता है सो यस ऑफ कोर्स दिस फिल्म इज अबाउट रोमांस इवेंचुअली इट्स अबाउट इट्स अ लव स्टोरी पर अगर आप अपनी निजी जिंदगी में झांक के भी देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ यू ऑलवेज वंडर अरे यार उसके साथ और समय मिलता तो क्या होता मैं अगर उसे ये कह पाता तो क्या होता एवरीबडी ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग हैज रिलेशनशिप्स लाइक दैट स्कूल के दोस्त हो गए कॉलेज के दोस्त हो गए एंड फैमिली मेंबर्स हो गए कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं इट्स ह्यूमन नेचर तो आई थिंक इवेंचुअली Half does not have to be bad or good. It's just an emotion. अधूरेपन में भी एक एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है. तो आप जब फिल्म देखेंगे, आपको वो सब I'm hoping महसूस होगा in that journey that half sometimes can be bad because आप कितना कुछ कहना चाहते हो. Sometimes यार इतना ही काफी है, कम से कम इतना तो मिला. तो हर emotion के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा. तो I think half in this film has both those emotions that you as the audience I hope. will feel because हमने बनाई है ये बोल के नहीं कि अच्छा है या बुरा है कुछ relationships ऐसे होते हैं जिनको नाम देना मुश्किल हो जाता है हमने एक नया नाम दिया है and I'm hoping कि आप सब देखोगे जो फिल्म तो आप agree करोगे हमारे perspective से आपके left अमित चेतन आप सर वो माइक पे बोल रहा है आप माइक ले लीजिए चेतन अमित बोल रहा हूँ हेलो अमित हाय कहाँ हैं आप आपके लेफ्ट हाँ अच्छा हाँ लाइट के थ्रू दिख नहीं रहे आप हाँ. कोई बात नहीं अब दिख जाऊंगा चेतन जो ये कैरेक्टर है माधव झा तो आमतौर पर झा जो होते हैं वो ईस्टर्न बिहार जो होता है दरभंगा मधुबनी इन सब जगहों पे होता है तो आपने बक्सर क्यों रखा क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कपूर को हम लोग पंजाब से निकाल के यूपी के किसी मतलब एरिया में ना भी फर्क नहीं है जहाज होते हैं वहाँ भी पटना होने को तो वो और ये इफ यू रियली वांट टू आस्क मी वो लड़का पटना इंग्लिश सीखने आता है और मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पटना से ज्यादा दूर ना हो तो उसके लिए मैंने वो लिबर्टी लिया था बुक में जो है वो ही यहाँ पे भी है तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप हमारी फिल्म को इतनी बारीकी से देखते हो कि ये बक्सर में यहाँ जहाँ कम होते ऐसा नहीं है जीरो होते हैं कोई आदमी इंडिया में कहीं भी रह सकता है सर लेकिन योर पॉइंट इज राइट बट लाइक आई सेड मुझे एक क्रिएटिव लिबर्टी लेना था क्योंकि मैं चाहता था कि वो कैरेक्टर वीकेंड पे पटना आए इंग्लिश सीख कर जाए तो उसके लिए मुझे पास वाली जगह चाहिए जो जगह आप कह रहे हो वहां से वीकेंड ट्रिप पटना का थोड़ा करना मुश्किल है इफ यू वांट टू आस्क मी बट आई फील वेरी गुड एक्चुअली लोग इतनी स्क्रूटनी रखते हैं मेरी फिल्मों में क्योंकि बाकी फिल्मों में कहते हैं अरे पिक्चर है यार ठीक है चलता है ना बट इट्स योर पॉइंट इज वेरी वेल दे आर जहाज आर फ्रॉम देयर बट आई ब्रॉट हिम हियर बिकॉज ही हैड टू गो टू पटना मोहित और मोहित से सवाल था कि जो आपने डायलेक्ट विक्रांत को दिया
विक्रांत मैं से ही मतलब जिस डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अर्जुन को भी वो मतलब डायलेक्ट क्यों नहीं आपने दिया? Well, अलग हिस्से से है। हाँ एग्जैक्टली exactly, वो थोड़ा सा रिसर्च हमने किया था। वो एक्चुअली इनके कमरे में चार दोस्त जो अलग अलग जगह से बिहार के अलग अलग जगह से, एक तो झारखंड का भी है जो पिछले पहले उनका था, तो कहीं ना कहीं वो डायलेक्ट बाय द थिंग। और इसमें एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा साहब और उनके डायलॉग कोच उन्होंने श्रीधर, जिन्होंने स्पेसिफिकली सरनेम के अकॉर्डिंग ऐसा उनको डायलेक्ट दिया है, आई थिंक गिव देम क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि वो एरिया के हैं और उन्होंने इंटेंशनली वो चूज किया था। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ नो श्रद्धा विल ऑल्सो बट मैं बिफोर आई फॉरगेट सॉरी आई एम बीइंग जेंट्स फर्स्ट राइट नाउ, आप जब फिल्म में देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे जब लड़का लड़की के साथ होता है तो ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एक्सेंट टू अ सर्टेन डिग्री, एक डायलेक्ट वो चाहता नहीं है कि वो हावी पड़े। और अपने दोस्तों के साथ हम सबका exactly. होता है ना, हम थोड़ा फैल जाते हैं, तो मेरा कोई डायलॉग नहीं है मेरे दोस्तों के साथ ट्रेलर में। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि वो चारों अलग अलग हिस्से से आए हैं, लेकिन उनका उनका बात करने का तरीका जो लहजा पकड़ा है वो आपको खटकेगा नहीं, जो आपको डर होगा इस समय जो आप सुन रहे होंगे तो वो होगा नहीं। एक्चुअली आपने जो विक्रांत मासी का डायलॉग देखा था वो दोस्तों के बीच में कन्फ्रंटेशन है, तो इसलिए वो डायलेक्ट और उभर के आ रहा है। और ये फैक्ट है कि ये एक सेम कैरेक्टर जो सेकंड हाफ में आता है, अक्सर हमारे इंडियंस के साथ ये होता है, और ये फिल्म जो है लैंग्वेज पे बेस्ड है, हम अब्रॉड जाके कैसे हम अपने आप को भेज देते, हम अपने डायलेक्ट को भूल जाते हैं, अपनी भाषा भूल जाते हैं, थोड़ी इंग्लिश ट्वैंग वैंग करते हैं, वो भी है इस पिक्चर में। और मैं जो ऐड करना चाहती थी वो ये है कि इन्होंने इतना प्रेप किया, इतना प्रेपरेशन किया उस डायलेक्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए, और सिंस पहले दिन से ही ऑफसेट भी वो मुझसे वैसे ही बात करते थे और इतने कंफर्टेबल हो गए थे वो, और मैसेजिंग में भी मुझे वैसे मैसेज करते थे तो बहुत आई मीन आई थिंक डायलेक्ट के साथ भी आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ परफॉर्मर इस फिल्म में अर्जुन हैज डन एन अमेजिंग जॉब, एंड आई थिंक ही रियली गॉट इनटू द कैरेक्टर। बहुत इन्होंने टाइम दिया फॉर द बास्केटबॉल प्रेपरेशन, डायलेक्ट प्रेपरेशन, एंड जस्ट टू बिकम माधव झा, आई थिंक यू गाइस आर रियली गोइंग टू लव हिम। इस समय एक हेडलाइन तो मिल गई कि अर्जुन श्रद्धा को मैसेज किया करते हैं बाकी आंसर तो करेक्ट था, पर अर्जुन बुक का नाम तो खैर यही है जी, फिल्म में आपने इसको कितना क्लियर किया है इस टाइटल को? एक्चुअली ये जो आपने विक्रांत मासी का डायलॉग देखा और भी है जो ये क्लियर करते कि ये लड़की कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह कमिट नहीं करती है, इसका रीजन भी है। सेकेंड हाफ में अलग सिचुएशन होता है कि जब ये इनसे कमिट नहीं कर पाते, ये कहीं ना कहीं मुझे जब इनिशियली जब मुझे बुक आई थी मुझे लगता है ये मैं ठहरा एक विलेन आशिकी 2 का डायरेक्टर, और चेतन जी मेरे पास आए थे और बोला हाफ गर्लफ्रेंड है टाइटल, तो मैंने बोला चलो मैं बुक पढ़ लेता हूँ, पर जब मैंने पढ़ा मैंने देखा वो कहीं ना कहीं इसमें एक इमोशनल रीजनिंग थी, इसलिए सिर्फ नहीं थी क्योंकि ये कैची टाइटल है, पर इसमें कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप का आधा अधूरा छूटना, कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूटना, और कहीं कॉलेज के बाद वापस मिलते हैं फिर वापस टूट जाता है, तो आई थिंक ये आधा शब्द जो था कहीं ना कहीं इसी को एक अनयूजुअल ट्विस्ट दे रहा था, तो इसलिए आई चोज टू टेक द सेम टाइटल। आपके लेफ्ट में जी, आप इस फिल्म के दौरान आपने महसूस किया कि बिहारी भाषा भाषी जो होते हैं कई बार इंग्लिश मीडियम में जाते वक्त उनका मजाक बनता है, ऐसे भी बिहारी भाषा को मजाकिया बना दिया जाता है, तो मैम बिहारी कोई भाषा नहीं होती, भोजपुरी होती है। बिहार मेरे कहने का मतलब जी, बिहार के जितने भी रैगिंग तो हर तरीके से होती है। हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर आप समझदार हो और हिंदी में बात करो तो ज्यादा मायने नहीं दिया जाता। ये सही बोल रही है, मेरा माना ये नहीं सिर्फ बिहारी का आई मीन भोजपुरी का प्रॉब्लम होता है, आई थिंक कोई भी लैंग्वेज में रैगिंग होती है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से देखा जाता है, हालांकि आप समझदार हैं। और हमने वो विषय उठाया फिल्म में कि आप वही इंटरव्यू में वही बातचीत होती है जब ये खड़े होते हैं उनके सामने, वो कहते हैं आप बहुत समझदार है लेकिन आपकी अंग्रेजी पैदल है, तो वो कहता है छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे सर, आप एक समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरी देश की भाषा बहुत बढ़िया बोल लेता है? और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विषय वही है, बातचीत जरूरी होती है, समझना जरूरी होता है। आप हिंदी समझ सकते हैं पर आप फिर भी चाहते कि कोई अंग्रेजी में बात करे ताकि हम कूल लग सके। तो इट्स नॉट अबाउट सी ही इज मेड इट बेस्ड इन ए प्लेस बिकॉज एक जगह चुननी होती है। हम चाहते तो एक बंगाली कैरेक्टर को भी चुन सकते थे, अगर दैट इज द राइटर्स डिसीजन टू गो, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली
this section of society faces it. We all face it. यार बॉम्बे में रहते हुए face करना पड़ता है. हम जब आपस में बात करते हैं, मुझे पता लगता है ना, लोगों को बताया गया है कि नहीं English में बात करो, it'll sound better. एक consciousness आ जाती है, तो आपकी बात आधी अधूरी रह जाती है. तो उस वजह से बहुत लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत लोगों को seriously नहीं लिया जाता. जब ये book हुई थी, तो मैंने काफी टीवी डिबेट्स किए थे और हमने सर्वेस भी किए थे टीवी स्टूडियो में, मेरे को याद है एनडीटी वगैरह में कई जगह. और वहाँ हमने लड़कियों से पूछा था, अगर एक लड़का अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, विल यू एवर मेक हिम योर बॉयफ्रेंड? तो उन्होंने कहा नहीं, नो वे. सो विच इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, आई फेल्ट वेरी गिल्टी एज अ इंग्लिश लैंग्वेज राइटर. इसीलिए मैंने एक ऐसी कहानी लिखी. और सबसे एक्साइटिंग मेरे को अगर आप पूछे पिक्चर में, मेरे लिए यही था कि ये लैंग्वेज कैसे आएगी, बिकॉज मेरी बुक इंग्लिश में है, तो उसमें मैं वो ला नहीं सकता भोजपुरी के वो. Genuinely, it's a film. I know we are here to entertain, और film एक तरफ जाती है to entertain the audiences. पर मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा खटकी है. हमारे यहाँ पे जो आजकल के नौजवान हैं, वो अंग्रेजी तो बहुत फटफट फटफट बोल लेते हैं, पर आप हिंदी में दो तीन सवाल से ज़्यादा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है. हम तो चलो एक्टर है तो हमें सीखने पड़ते हैं. और मैं आई कंसिडर सम वेरी लकी दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पोक हिंदी टू मी ऑल द टाइम, तो मेरी हिंदी साफ रही हमेशा. पर बहुत सारे एक्टर्स भी हैं. I would say Hindi is something that you need in our country to take our country forward. How can you not understand and speak your language properly? हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, और कहीं ना कहीं वो बहुत छोटा विषय है लोगों के लिए, क्योंकि लोग नजरअंदाज कर देते हैं. पर आई होप इस फिल्म के थ्रू एटलीस्ट वो चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी कि चाहे हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, आप मराठी में करो बात, पर बात समझ में आनी चाहिए. वैसे ही बात करो ना, यह क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है. ऑल्सो बिहार का एक रीजन और था फिल्म में, बिकॉज आपने अगर बुक पढ़ी हो तो वो बिल गेट्स उसमें बिहार जाते हैं, जो रियल लाइफ में भी बिल गेट्स बिहार ही गए थे. सो आई हैड टू चूज दैट समथिंग दैट एक्चुअली वॉज लिंक टू रियल लाइफ, कि बिल गेट्स वेंट टू बिहार. सो इट वॉज नॉट जस्ट फॉर, देयर वाज सम अदर रीजंस ऑल्सो. हाय शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, दिस साइड अर्जुन, दिस साइड फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड. सबसे पहले तो भाषा की बात आप लोग कर रहे हैं, तो एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि भाषा वो नहीं होती जो बोली जाती है, भाषा वो होती है कि आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं सामने वाला समझ ले. हमारे देश में यही बहुत बड़ी समस्या है, एंड थैंक्स टू यू कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया. मेरा सवाल अर्जुन से है. अर्जुन, इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स है, एक ही लड़का, एक एम्प्लॉई होता है, उसके बाद एक स्टूडेंट होता है, एक फुल बॉयफ्रेंड होता है, रिस्पॉन्सिबल बेटा होता है, फिर लॉस्ट बॉयफ्रेंड होता है. इस पूरे कैरेक्टर से आप रियल लाइफ में कितना कनेक्ट कर पाए या कितना रिलेट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो फिल्म देख ली 3 मिनट में. नहीं, पर थैंक यू फॉर पिकिंग अप ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स. फुल बॉयफ्रेंड तक कैसे पहुंचता हूं वो एक पॉइंट पे आता है पिक्चर में. बट कितना रिलेट कर पाए रियल निजी जिंदगी में, यार कहीं ना कहीं हर किरदार में आप कुछ ना कुछ कनेक्शन सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ढूंढते हो. इस फिल्म में आई डोंट हैव द बैरियर ऑफ लैंग्वेज in terms of I can manage both the languages. So kahin na kahin that was new for me. I had to unlearn. Rather than comparing to my own life, I had to try and understand around me when I roam around. Jab main chalta firta hun, jaise maine kaha, maine notice kiya ki kuch log na jante hue bhi alag language use karte hain taki they can fit in. To wo sab pehlu maine mehsoos kiya, dekhe, I tried to understand that was a fresh perspective. Mujhe wo nahi pata tha. Half to hum sab ki zindagi mein koi na koi aayi hai. At least I would say zyada tar ladkon ki zindagi mein to aayi hi hai. बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो पर आप सोचते हो नहीं सही समय लेंगे. हर बार ये नहीं होता कि आप बोल नहीं पाते, आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ा वेट करता हूँ और पता लगता है कि वो आके तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा देती है. एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है. कितने लोगों के साथ हुआ है कि सोचा यार थोड़ा और टाइम देते हैं, थोड़ा और टाइम, अरे अगले हफ्ते बोलूंगा, अगले हफ्ते बोलूंगा, और करते 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 बोल ही नहीं पाए. कितने लोगों के साथ हुआ है ये? हाँ, सबके साथ हुआ है ना कहीं स्कूल कॉलेज काम पे. हाँ, इनके साथ अभी हो रहा है, अभी हो रहा है. कि जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं हाफ बॉयफ्रेंड की समस्या से पीड़ित हैं. सबके सब, सबके सब, सबके सब. इस फिल्म में तो क्या है, एक पहलू दिखा है. कहीं ना कहीं होता है लड़कियां भी नहीं कह पाई होंगी. कितनी बार होगा, मेरे साथ एक बार हुआ है. मैंने सोचा था नहीं यार, आई विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स मोर, आई शुड गेट टू नो हर, शी शुड फील कंफर्टेबल अराउंड मी, और फिर मैं प्रॉपरली आई विल आस्क हर आउट ऑन अ डेट. तो सब पूरा बिल्डअप था जैसे हिंदी पिक्चर में होता है. जेन्युइनली बहुत फिल्मी मोमेंट था. और मैं एकदम अपने बेस्ट कपड़े पहन के पहुंचा, और उसका बर्थडे था, और मैं पहुंचा और मैंने सोचा यार आज का दिन सबसे बेस्ट है. और वो 48 फ्रेंड्स में एक उसकी एंट्री हुई, उसके साथ हाथ पकड़ते पकड़ते एक लड़के की भी एंट्री हुई. तो मैंने बोला अरे भाई को लेके आइए साथ में, वाह. तो मैं खुश हो गया कि चलो भाई आया होगा साथ में. और आते ही मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बोला, और शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड हैव यू मेट माय बॉयफ्रेंड, ही जस्ट आस्क्ड मी आउट टुडे.
तो मैंने बोला यार 4 घंटे पहले मिल लेता इससे तो शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो वो रिलेशनशिप उसके बाद मैं जेन्युइनली उससे बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि वही होता है व्हेन योर रिलेशनशिप लेफ्ट गेट इनकम्प्लीट, आई कुडंट स्पीक टू हर आफ्टर दैट, मैं बात मेरी दोस्ती खत्म हो गई उस लड़की के साथ, आज उसकी शादी वादी हो चुकी है, आई हैव कनेक्टेड विद हर इवेंचुअली थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, शी इज डूइंग रियली वेल, शी लिव्स इन इंग्लैंड नाउ, बट उस समय वो रिलेशनशिप अधूरी रह गई, नॉट बिकॉज उसकी ख्वाहिश थी या नहीं थी, सर्कमस्टांसिस की वजह से. So yeah, I didn't relate to all aspects, but you find memories, you find connections in your own way. But Madhav Jha bahut vichitra kirdar hai. Aap jab dekhenge film to aap mehsoos karenge ki uske jaisa koi nahi hai. Yeah. We'll take last 2 questions. Hi Arjun. Hi Shraddha. This is Ravi. Hi Ravi. आज के डिजिटल एज में ब्रेकअप का जो गम है लोग इतना ज्यादा नहीं मनाते हैं, लोग लेफ्ट राइट मेकअप ब्रेकअप कहां ब्रेकअप जी लोग लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं और एक डेट फिक्स करते हैं. और हमारे सिनेमा में भी वो बदलाव दिख रहा है पिछले 10-15 सालों से जो रियल लाइफ में हो रहा है. तो रिलेशनशिप के जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो आप लोग ये जो बदला जो रिलेशनशिप का बदला हुआ डायनेमिक है उसको किस तरह से देखते हैं आप अर्जुन और श्रद्धा? यू सेइंग इन एवरीडे लाइफ व्हाट नॉट रिलेटेड टू द फिल्म यू सेइंग व्हाट डू वी मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड का जो स्टेटस है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंट है. और मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं पूरी तरह से कमिट नहीं करना चाहती, या फिर आधा मतलब फुल नहीं हाफ, देखते क्या होता है, यू नो. सो आई थिंक दैट आई थिंक अब जो यूथ है वो परखना चाहती है बिफोर डिसाइडिंग that they want to spend time in discovering the other person rather than believing ki isme 100% acha hai aur ye mere liye sahi ladka ya ladki hai. Log ab parakhna chahte hain aur logon se milke parakhna chahte hain, ye nahi hota ki ek hi jan ko. So that is something that is an evolution of society on the whole across the world. Jo dating concept tha Hindustan mein nahi tha, kahin na kahin ye sab digital technology ki wajah se India mein thoda sa, main kehta hu zyada nahi par thoda sa evolve hua hai. जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना आप पहली डेट पे, हमको डेट मतलब जेन्युइनली हमारे जब मैं स्कूल में था तो डेट वाज लाइक कि स्कूल में बस कैंटीन में बैठ के बात कर ली किसी लड़की से, उससे ज्यादा नहीं होता था. आज होता है, लोग कॉफी पीने जाते हैं, आज इतने सारे कॉफी शॉप्स खुल गए, आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, देयर इज एन अवेलेबिलिटी टू सोशलाइज बियॉन्ड जस्ट द कॉलेज एंड स्कूल सिचुएशन. और आज टुडे पेरेंट्स ऑल्सो आर मोर ओपन टू द थॉट ऑफ पीपल मीटिंग अदर पीपल, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट वी नो बेस्ट, पेरेंट्स हैव ऑल्सो इवॉल्व. So where relationships are concerned, I think evolution, yes, technology, a mindset, the influences of a lot of factors, including the westernization of our country to certain degree, allows us for the betterment, I'm not saying for the wrong, but for the betterment have allowed relationships to get formed in unique ways rather than ki seedha shaadi tak baat pahunchna. That journey from liking somebody to getting married has not become a straight drive. There are various paths that now each person takes on to realize that, okay, I'm ready to settle down, or this is the correct person, or I feel I need to secure my future. There are lots of more thoughts. Or sometimes people don't even want to settle down. Correct. Like, which is new, yes. Which is a new thing. But I genuinely believe, aap kitni bhi technology le lo, aap kitna bhi aage westernized ho jao, kahi agar kisi se sacha pyar ho gaya, koi technology, koi wo cheez aapko bachane nahi wala, wo dard aapko jo tootne mein hone wala hai. अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो गया तो आप जितनी भी कोशिश टेक्नोलॉजी कर ले, कोई भी स्वाइप कर ले, वो कभी वैक्यूम फील नहीं होगा. दुनिया में एक तो चाहिए जो सच्चे प्यार में बिलीव करे, है ना. लेकिन आजकल लोग ब्रेकअप का उतना गम नहीं मनाते, मूव ऑन बहुत जल्दी करते. सर लास्ट कब आपका दिल टूटा था? सर आपका लास्ट कब दिल टूटा था? सर और ऐसे जनरलाइज करना गलत होगा, जो बेचारे आशे कभी इस वक्त रो रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार इनको पूछिए ना, इनको हाँ ये इनके हाफ हाफ जो है. वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज, हम फूल बनाने में मदद करेंगे आपकी, चलिए आप हमारे साथ. अच्छा, हेलो अर्जुन. अर्जुन जी जी कहाँ कहाँ कहाँ? Hi. जी हाय. उन्नति फ्रॉम 9X मीडिया. जी. सॉरी. सो यू नो द क्वेश्चन इज टू यू एंड श्रद्धा बोथ. यू नो यू टॉक अबाउट हाफ गर्लफ्रेंड एंड यू टॉक अबाउट दैट हाउ इफ यू लुक एट द नॉवेल एंड एवरीथिंग. इफ यू टॉक अबाउट इंडियन पेरेंट्स, दे स्टिल हैव दैट माइंडसेट दैट यू नो दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द होल ओपन रिलेशनशिप, हाफ गर्लफ्रेंड एंड एवरीथिंग. सो कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? About our personal parents, as in our families. Yeah.
about the whole concept of thinking about relationship, like how Indian thinking parents about are how still not half about girlfriend. I don't think they'll be very happy if they say ki maine char half girlfriend bana liye, teen boyfriend now. Yeah. So I think do aadhe aadhe karke ek nahi ho jata hai parents ke liye. Yeah, I've been sat down with my family to discuss things beyond a point because I think they have faith, but maybe I'm one of the lucky few in terms of living and growing up in a city like Mumbai, the mindset of the family is also slightly different. If you talk about India on the whole, obviously, jo aapne kaha ekdam sahi kaha that parents have a certain reservation because they would like their children to find the correct partner and stick and stand by the person. My family has implicit faith in me eventually, jinko bhi main chununga, jab bhi chununga, main sahi reasons ke liye aur sahi ladki ko hi chununga. To ye discussion ghar pe baith ke hui nahi hai zyada. But I'm very certain about my family being respectful to my choice and trusting me, see, and believing that I'm making the right decision. Beyond whatever they might feel, a family is eventually selfless. They want your happiness. So agar main khush hu to wo khush honge. Arjun, wah, kya jawab diya, taliya to bajaiye. Taliya. Arjun, she wants me also to answer this. Mujhe lagta hai ki har generation ke saath kuch na koi na koi बदलाव आता है एक सोच में. एंड डेफिनेटली जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कहानी बताई थी कि दे हैड एन अरेंज्ड मैरिज एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट ऑल आर ग्रैंड पेरेंट्स और आर पेरेंट्स एंड इट्स इवन एग्जिस्टेंट टुडे कि अरेंज्ड मैरिज भी होता है, लव मैरिज होता है. कोई कोई पेरेंट्स होते कि दे आर अंडरस्टैंडिंग इफ देयर चाइल्ड इज इवन इन अ लिव इन रिलेशनशिप. तो आई फील कि एक ये प्रोसेस है. कोई कोई हिस्सों में इंडिया में देर इज़ अ लिटिल मोर ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स कल्चर एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया देर इज़ अ वे इन विच यू नो यू सी मैरिज एंड यू सी अरेंज मैरिज, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर. बट देर इज़ ऑल्सो जैसे कि अर्जुन ने भी कहा कि यू नो इफ अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप खुश रहें, आई मीन मैं अपने मॉम डैड से पूछती हूँ और एक्चुअली मेरे मॉम डैड भी मुझसे पूछते हैं कि दे लाइक यू नो जब भी रेगुलरली हम डिस्कस करते हैं ऑन अरेंज मैरिज और लव मैरिज और एक चर्चा होती है, डिस्कशन होती है. तो वी आई मीन आई जस्ट फील कि जो भी किसी व्हाटएवर मेक्स एनीबॉडी हैप्पी, चाहे वो अरेंज्ड हो या लव हो या जो भी हो, दैट इज समथिंग दैट शुड बी डन. किसी को नोबडी शुड फील हर्ट, नोबडी शुड गेट हर्ट इन द बार्गेन इज व्हाट आई फील. अर्जुन, श्रद्धा, हाय, ज्योति फ्रॉम ज़ूम. लास्ट सवाल मेरा. जी, कहाँ हैं आप? जी यहाँ पर. Okay, I like ज्योति की आपने सबके लिए डिसाइड कर दिया कि लास्ट सवाल आप ही का होगा. नहीं, बस जस्ट मेक इट क्विक. में दिया गया जी. मेरा सवाल ये है कि आप दोनों की लाइफ बहुत चर्चा में रहती है, लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे फिल्म हो, चाहे अफेयर्स हो, चाहे कुछ भी हो. पर्सनली आप क्या हाफ गर्लफ्रेंड पे बिलीव करते हैं और आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड है? है नहीं, बिल्कुल बता दीजिए इधर ही, यहाँ पर ही. बस पर्सनल लाइफ की और चर्चा शुरू ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मेरे पास्ट में ये सिचुएशन आ चुकी है, तो हमने ये नहीं कहा कि सबके पास होनी चाहिए और सब रखते हैं हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड. कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं, चले जाते हैं, यादें रह जाती है, थॉट प्रोसेस में कोई याद आता है तो उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि वो मेरा दोस्त नहीं था, दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा था, पर हमारी रिलेशनशिप उस पार नहीं गई कि उसे पूरा नाम दे सके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का. तो तब आप हाफ यूज करना शुरू कर सकते हो. दैट इज व्हाट दिस फिल्म द टाइटल स्टैंड्स फॉर. निजी जिंदगी में इस वक्त तो यार मैं पिछले सात गर्लफ्रेंड मैं सात हफ्ते से सिर्फ अपनी एक ही हाफ गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा था जब मैं लंदन में था, और वो है श्रद्धा कपूर. बस यही था, यही है और यही रहेगा. बिजलिया, हेलो हेलो. Hello, who's speaking? Hello, 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 sir, hello. I really, because you know, there is a proceedings. Shraddha, आप बता दो कौन है? आपके आजकल काफी चल रहे हैं. खबरें चल रही हैं. तो I think कि वो खबरें चल रही है क्योंकि मैं अर्जुन की half girlfriend हूँ. इसीलिए. And I would like to consider if any of you all have an open job opportunity, Chetan would like to join up. Because जो सवाल कोई नहीं कर पाया वो Chetan ने कर दिया. यार, मैंने कहीं किए नहीं, पर यू नो एक फिल्म हम चार यहाँ बैठे हैं लेकिन 300 लोगों ने इस पे तीन साल तक काम किया है. हम सबके नाम तो नहीं ले सकते. मोहित एंड आई विल जस्ट टेक एज मेनी नेम्स जिन जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं. इफ वी फॉरगॉटन समवन वी आर रियली सॉरी. वी डोंट, डजंट मीन कि आप इस फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं थे. कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं इस इंडस्ट्री में, ये एक्चुअली एक फिल्म बनी है जो तीन साल से चल रही है.
lot of people have stood by our sides. Let's start first with Ekta Kapoor, and everyone please clap for that because she's not here today. But she's someone. She's paying for this event, I think. To be honest, Ekta was somebody who's believed in me for the last 3 years, and Chetan, jo usne mujhe abhi bhi yaad hai, raat ke 12 baje aayi thi to sign this film in Chetan's house, and her passion and her belief in this film has not changed a little bit all over these years. So thank you very much, Ekta. Besides that, I want to thank her team, Ruchika, Lipika, Vimal sir, Narendra ji, jisne hamari film kharidi hai. Thank you very much, sir, to believe in us. Guru sir, being always been a part since all my films. My writers, cameraman, everyone, I just want to personally thank one. If you see some of the technical aspects of the film, I feel aapko flawless lagenge. Cinematography bahut badhiya Vishnu Rao ki hai. Clothes, Anayita has done amazing job with the clothes. Aki Narula also has done that. Amit and Shan have done Shraddha's hair and makeup. Aapke itte sare looks jo Shraddha ke jo from basketball hairstyle to New York singer hairstyle. Dialogue coaches, Rishi, Siddharth, Arif, Sankalp, all and these people who have just kisi ne bhi mereko khud hairan ki hoti hai. Mereko shayad khud ko story se itna pyar nahi hoga jitna puri team ko ho gaya tha. And I think wohi trailer mein jhalak raha hai aaj and wohi film mein bhi jhalkega. And all the production teams that we've worked with in all the different places. Ye kahani hum log Delhi se leke Mandawa gaye hain, wahan se Banaras gaye hain, Patna gaye hain. We've gone to South Africa, New York, everywhere. So six production teams. I can't get all your names, but thank you very much for bearing with us and tolerating the and mad passion. And my mother and wife are also here. So and my wife who's just left the theater. It's fine. Thank you. She realized ki thank you to sabko bol diya. We'll just stand ahead and keep the mic today.